हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के 150 पदों पर यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आप एप्लीकेशन यहाँ पर फिल कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, ध्यान रखेंगे, मेल फीमेल दोनों के लिए हैं, लेकिन स्पेशली स्पोर्ट्समैन कोटे के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो वरियस स्पोर्ट्स में यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, इसके अलावा देखिए जिमनास्टिक, ठीक है, जिमनास्टिक्स में भी मांगे गए हैं, रेसलिंग, बॉक्सिंग, जूडो, वेट लिफ्टिंग, बॉडी साइकिलिंग, माफ कीजिएगा, बॉडी बिल्डिंग, साइकिलिंग, एक्वेस्ट्रियन, बैडमिंटन, ताइकांडो और इसके साथ साथ स्विमिंग, ठीक है, एक्वाटिक्स में भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो अलग अलग जो जो भी जो स्पोर्ट्स होते हैं, कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी इसमें डिवाइड की गई है। पूरा नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर लूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एज इसमें जो होती है 18 to 23 एज मांगी गई है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज को रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, 17 जुलाई को ये फॉर्म अपना निकला था, 17 जुलाई से 30 डेज, तो 30 डेज का मतलब है आपका 17 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल एंड अलाउंसेस देखिए, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है ये, ठीक है। तो पे स्केल वही कांस्टेबल का पे स्केल रहेगा इसमें, जीडी कांस्टेबल है, और एज मैंने आपको बताई दी 18 से 23 है। देखिए, रिलैक्सेशन इन एज मेंशन इन पैरा नंबर 5 है। देखिए, और एसेंशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपका 10th पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग द कंट्री सिंस 1/1/2017 और प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन लास्ट ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड कप्स एंड एशियन गेम, और प्लेयर्स हु हैव वॉन मेडल इन रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट सिंस 1 जनवरी 2017 टू लास्ट डेट ऑफ रिसिपियंट ऑफ अप्लीकेशन 30 डेज, ठीक है। तो आपका या तो नेशनल में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल में आपने कोई गेम में जीता होना चाहिए, या इंटरनेशनल में कोई भी इवेंट अगर पार्टिसिपेट भी किया है तो आपने, फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया, देखिए क्लोजिंग डेट है 30 दिन के अंदर आपको भरना है, ध्यान रखेंगे, 30 दिन के अंदर, मतलब 17 को ये फॉर्म निकला था, तो 17 से आप 17 अगस्त तक भर सकते हैं। लेकिन रिमोट एरियाज़ के लिए 37 डेज है, ठीक है, 7 दिन। रिमोट एरियाज़ कौन कौन से, देखिए आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ पर रिमोट एरिया में 7 दिन इंक्रीज़ किए गए हैं, ठीक है। बाकी अपर एज रिलैक्सेशन मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, जो है अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 5 साल है, SC ST के लिए 5, 5, 10 साल है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन कोटे के लिए अनरिजर्व के लिए भी 5 साल लगाया गया स्पोर्ट्समैन में, और SC ST के लिए आपका 10 साल का है, OBC के लिए 8 साल का है, मतलब +5 करके दिया गया है। जो जनरल कैंडिडेट है वो भी +5 मतलब भर सकते हैं, अगर उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में कोई मेडल जीता है तो, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म भर लीजिएगा। फ़ी पेमेंट जो होगी आपकी ऑनलाइन होगी, 100 रुपये फ़ी है इसमें, ठीक है। अनरिजर्व एंड OBC कैटेगरी वाले 100 रुपये भरेंगे, बाकी देख सकते हैं SC ST एक्सेस सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर्म पेमेंट ऑफ फी, तो इनके लिए कोई फी नहीं है। तो कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। तो वेबसाइट पे जाना है आपने, कौन सी वेबसाइट, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, SSBRECTT.gov.in, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपको भरना है, और कैसे भरना है, क्या करना है, ये सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं इस फॉर्म में, ठीक है। तो बाकी महत्वपूर्ण कोई भी है, देखिए इसमें फ़ोटो अपलोड करनी है आपने, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है इसमें, ठीक है। तो पूरा फॉर्म कैसे भरना है आप अच्छे से इस पूरे नोटिफिकेशन को रीड कीजिएगा, ये नोटिफिकेशन मैं आपका पूरा शेयर कर दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए आपका जो होगा यहाँ पे, दी बायोमेट्रिक एग्जामिनेशन, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट हु रिपोर्ट विथ एडमिट कार्ड एट द रिक्रूटमेंट वेन्यू विल बी टेकन विच शैल बी फॉलोड बाय कंडक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा सबसे पहले, फिर चेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट एंड फील्ड ट्रायल होगा यहाँ पे, फिर चेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स होगा, फिर फील्ड ट्रायल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड एंड जो टेस्ट होता है PHT, और इसके साथ साथ आपका मेजरमेंट होगा, देखिए हाइट वगैरह, मेल की 170 और चेस्ट 80 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, फीमेल के लिए 157 है हाइट, और बाकी इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको हिल सर्टिफिकेट, जैसे कुमाऊनीज, देखिए कुमाऊनीज की मेल के लिए 165 है और चेस्ट 78 से 5 मतलब 83 तक फुलानी है 5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 हाइट है कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी यहाँ पे देखिए फीमेल के लिए भी एवरेज वेट रखा गया है, आपका वेट के मतलब हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए, ठीक है, और वैसे मेल के लिए भी हाइट के हिसाब से वेट होना चाहिए। तो ये सभी अगर क्राइटेरिया आप पूरा करें तब इस फॉर्म को भरें, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा बाद में, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन इन सभी चीज़ों को देखते हुए होगा आपका, और बाकी जो भी जनरल इंस्ट्रक्शन है इसमें वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं पूरा ये नोटिफिकेशन दे दूंगा आपको, ठीक है। तो
तो ये है देखिए एसएसबी का फॉर्म गाइस, जो भी स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने नेशनल इवेंट में भी, देखिए मैं देखता हूँ कॉलेज से काफ़ी लोग जाते हैं नेशनल इवेंट में, एथलेटिक्स में, दौड़ वगैरह में, 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, तो वो लोग इस फॉर्म को भर लें, और बाकी जो बास्केटबॉल या फुटबॉल प्लेयर हैं वो लोग भी भर लें इसको, ठीक है। जूडो, ताइकांडो भी आजकल काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट मैंने बोल दिया लास्ट आपका नेशनल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, स्टेट लेवल का नहीं चलेगा यहाँ पे, नेशनल लेवल का कम से कम होना चाहिए। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, जो भी एलिजिबल हैं वो भर लें इसको, कोई भी डाउट या कुछ होता है तो आप मेरे को फेसबुक पेज पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है।